अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो की हद तक हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म्स को भी स्टडी कर चुके हैं, किन मैकेनिज्म्स के तहत जो है एग्जीक्यूशन शो करता है। अब हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट कमिंग्स की। आपके सामने मैंने CBDR का प्रिंसिपल भी लिख दिया हुआ था। मैं कुछ बातें मैंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी याद रहें। CBDR को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी जो मैकेनिज्म्स हैं जिसके अंदर आपका इमिशन ट्रेडिंग, CDM और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इनको भी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स को भी देख चुके हैं। जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि चाइना और इंडिया में ही आपके तकरीबन 80% प्रोजेक्ट्स जो CDM के अंडर लगे हैं वो जो हैं लगे हैं सिर्फ चाइना और इंडिया में, ठीक है। तो इन्हीं कुछ बातों के तहत हम गुफ्तगू करेंगे इसकी शॉर्ट कमिंग। एंड बिफोर आई मूव ऑन, एक और चीज़ आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कैनेडा दोनों जो हैं बैकआउट कर चुके हैं फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल सेकेंड कमिटमेंट पीरियड के लिहाज से, ठीक है, जो कि 2012 से अब तक 2020 तक चलना था। तो ये तमाम बातें जहन में रखिएगा, और अब मैं शॉर्ट कमिंग्स डिस्कस करूँगा। तो आई वॉन्ट कि आप लोग सारे प्लीज़ अटेंशन लाजमन दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। पहला शॉर्ट कमिंग, एक्सक्लूजन ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज़। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर आप बात करते हैं, और अगर आप सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के एम्बिट के अंदर उन कंट्रीज़ को लेके आ रहे हैं जिनका पर कैपिटा इनकम कम है, और इस बात के ऊपर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के यार्डस्टिक डिफाइन कर रहे हैं कि वो उनका जो स्पैन है जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट रहे हैं वो कम है, तो ये आप बहुत बड़ी ज़्यादती करें। क्योंकि अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज का जो मैंने आपको मॉडल कराया था, उसके अंदर हमने क्या नोट किया था कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया लाइज अमंग द 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है कार्बन एमिशंस को पस मंज़र में, ठीक है। उसके बावजूद इन दोनों को लीवे क्यों मिला हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये तो चाइना और इंडिया तक की मिसाल होगी। अगर हम बात करें बाकी कुछ कंट्रीज़ की, तो बाकी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि CBDR के प्रिंसिपल को, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इस प्रिंसिपल को एक स्केपगोट के तौर पे यूज़ करती हैं, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं ब्राज़ील की और इनके प्रेसिडेंट की, जेयर बोल्सोनारो की, जिन्होंने अभी रिसेंटली पिछला जब हुई थी ना अमेज़न फॉरेस्ट फायर्स हुई थी 2019 में, लास्ट ईयर, और उससे पहले इनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि आप क्यों अमेज़न फॉरेस्ट को जो है डिस्ट्रॉय करने के ऊपर तुले हुए हैं। इन्होंने कहा कि वी आर अ डिवेलपिंग नेशन एंड वी नीड टू डिवेलप, एंड दिस इज़ अ रिसोर्स रिच एरिया, और अगर हम इसके साथ इसके थ्रू ये अमेज़न फॉरेस्ट को हम नहीं कट करेंगे तो वी कैन नॉट रियली थिंक ऑफ डेवलपिंग एज ए नेशन, वी नीड द रिसोर्सेज। सो किया क्या इन्होंने CBDR के प्रिंसिपल के अंडर छुपने की कोशिश की और CBDR के प्रिंसिपल को स्केपगोट करने की कोशिश की। तो CBDR का जो यार्डस्टिक है उस वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात बन गई भी, ठीक है। और वैसे भी अगर हम बात करें आजकल के पस मंज़र में, तो आजकल के पस मंज़र में शेयर ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन ग्लोबल एमिशन हैज़ कम डाउन फ्रॉम 70% टू 43%। आपकी 70% से लेके 43% तक का डेफिसिट देखने को मिला आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की एमिशन कंट्रीब्यूशन में। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी जो डेवलपिंग नेशंस है वो कर रही है। तो डेवलपिंग नेशंस को इसलिए CBDR के प्रिंसिपल को लागू नहीं होना चाहिए, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लागू होना चाहिए कि सारे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी है और हर किसी को अपने अपने रीजन में रहते हुए अपनी अपनी केपेबिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए रिडक्शन करनी चाहिए, और ये सालों के लिए कोई ना कोई टारगेट होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये तो इसकी पहली शॉर्ट कमिंग होगी। दूसरी शॉर्ट कमिंग, कॉस्ट एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ CDM। देखिए, CDM को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट भी किया गया। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके आपने CERs लेके उनको ज़्यादा एविज बेचा प्रॉफिट मेकिंग की। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आपके यहाँ बकायदा एक बिज़नेस बन गया कि हम CDM वगैरह लगाएंगे और प्रॉफिट मेकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। सो हुआ क्या कि क्योटो प्रोटोकॉल का एक शिफ्ट देखने को मिलता है टूवर्ड्स CDM, ठीक है। फिर एक और मसला इसका ये हो गया कि वेस्टर्न इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ मुमालिक के अंदर एक्सटेंसिव जो है, आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट हुई जैसे चाइना और इंडिया का क्यूमुलेटिव शेयर 80% का CDM का, दैट वाज आल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत प्रॉफिट मेकिंग का जो आंसर आ गया ना, दैट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक एज फार एज क्योटो प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड। पेनल्टीज ऑफ नॉन कंप्लायंस विड्रॉल, अब अमेरिका ने विदड्रॉ कर लिया, कैनेडा ने विदड्रॉ कर लिया, देयर इज एब्सोल्युटली नो पेनल्टी, ठीक है। नॉन कम्प्लायंस की कोई पेनल्टी
का तायुन है ही नहीं, तो ये तो किसी भी कंट्री को इंसेंटिवाइज नहीं करता कि वो सही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करे, ठीक है? एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज वेरी प्रॉब्लमेटिक बाय ऑल मीन्स। और कुछ फिर एम्बिग्विटीज आ जाती हैं, ये तो तीन मेजर मेजर बातें हो गई, एम्बिग्विटीज भी कुछ आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, डेवलपिंग कंट्रीज क्रिटिसाइज द सेटिंग ऑफ द बेस ईयर एज 1990। अब अगर आप 1990 की एमिशन को मद्देनजर रख रहे हैं, तो 1990 की एमिशन तो आजकल के पस मंजर में बहुत कम है। आज जो इमिशन का एक ग्राफ है, अगर आप उसको देखें, आपको लास्ट टाइम का जो मैंने ग्राफ था वो जब दिखाया था, आप ध्यान में रखिए, 1990 में आपकी इमिशन दे रीच्ड अराउंड व्हाट 350 पार्ट्स पर मिलियन की कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की तकरीबन। तब अब अगर हम बात करें तो हम तकरीबन 400 के करीब पहुंच गए, 400 पार्ट्स पर मिलियन। वाई आर वी कीपिंग 350 पार्ट्स पर मिलियन वाला एरा एज द यार्ड स्टिक? वी नीड टू मूव विद टाइम। दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो कि आपकी डेवलपिंग कंट्रीज ने किया डेवलप कंट्रीज के ऊपर, कि उनके पास तो स्कोप ऑफ वर्क ही बड़ा कम बच जाते हैं, वो तो पहली बहुत मिशन कर रहे हैं। 1990 को आप बेस लेवल या बेस ईयर क्यों बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म थी। फिर कुछ एम्बिग्विटीज थी कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कार्बन इमिशंस के एम्बिट के अंदर लाए करता है, कौन सा नहीं करता। क्या सिर्फ और सिर्फ ऑयल बर्न करना कार्बन इमिशंस के एम्बिट में लाए करता है, या गैस बर्निंग भी इसके अंदर लाए करती है? तो ये जो कुछ ग्रे एरियाज है ना, इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत कैपिटलाइज किया। मिसाल के तौर पर गैस प्रोजेक्ट्स, डू दे कम अंडर द क्योटो एम्बिट? ये इसके बारे में किसी को भी अभी भी श्योरिटी नहीं, क्या गैस प्रोजेक्ट्स को हम इसके एम्बिट में लेके आए या ना लेके आए, नोबडी नोज। फिर ये सीडीएम वाले पॉइंट से फिर से थोड़ा सा इंटरलिंक करता है कि सीडीएम प्रोजेक्ट्स एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर किस हद तक हो सकते हैं या कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई कदगन नहीं, कोई इस चीज़ को कन्फाइन करने की कोशिश नहीं की गई थी। सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक, जिसकी वजह से हमने देखा कि पोलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से इंडिया और चाइना में वही बात 80% के करीब प्रोजेक्ट्स रखते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड थी, और जिन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक नेगेटिव इसकी शक्ल हमें हमारे सामने नज़र आती है। सो ऑल इन ऑल आई होप आप लोगों को इसकी शॉर्ट कमिंग समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो के अंदर हम इसकी ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आया क्योटो प्रोटोकॉल एक सक्सेस था या फेलियर था। आप सबकी सवालों का बहुत बहुत शुक्रिया।